दिन आरटीओ का भ्रष्टाचार बढ़ते नजर आ रहा है। क्षेत्र के नागरिकों की बढ़ती संख्या और दलालों द्वारा नागरिकों को गुमराह करने का धंधा दलालों ने बना लिया है। बढ़ते आरटीओ के ग्राहकों को लूटने का दलालों ने जिम्मा ले लिया है। हाल ही में हुए एक घटना से साफ तौर पर दलालों और आरटीओ की आपसी मिलीभगत होने की जानकारी से परिसर में हड़कंप मचा हुआ है। बीते 20 अप्रैल को एक 30 वर्षीय युवक MH40 आरटीओ में LM फोर व्हीलर लर्निंग लाइसेंस बनाने गया था। उसने अपने कार्यालय से पहले लर्निंग लाइसेंस का ऑनलाइन अर्जी दाखिल की थी, लेकिन आधार कार्ड लिंक ना होने के कारण वह MH40 आरटीओ में गया। वहां उसने लर्निंग लाइसेंस की परीक्षा भी दी, लेकिन वह परीक्षा में असफल रहा था, जिसके कारण उसका अर्ज रिजेक्ट हो गया। MH40 आरटीओ कार्यालय के बाहर दलालों को देखते युवक ने दलाल को पूछा तो दलाल ने ₹1000 परीक्षक में पास कराने की मांगे। साथ ही युवक को दलाल ने बताया भी था कि ₹1000 अधिकारी को देने पड़ते हैं। युवक ने ₹1000 दिए तो उसका लर्निंग लाइसेंस तुरंत बन गया। दलाल ने कुल ₹1500 लर्निंग लाइसेंस परीक्षा पास करने के लिए लिए थे। यह भ्रष्टाचार घटना को देख ज्वाइंट एक्शन कमेटी वर्धामना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक प्रहलाद अग्रवाल MH40 आरटीओ दफ्तर में पहुंचे। वहां उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेश सरक से प्रहलाद अग्रवाल ने इस विषय पर और भ्रष्टाचार पर काबू लाने के विषय पर चर्चा की। ज्वाइंट एक्शन कमेटी वर्धामना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक प्रहलाद अग्रवाल ने संबंधित दलाल और अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की। यदि भ्रष्टाचार को रोका नहीं गया और संबंधित अधिकारी और दलाल पर कार्रवाई नहीं की गई तो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रहलाद अग्रवाल और भाईचारा राज्य मार्ग परिवहन सेवा के नरेंद्र मिश्रा, शिवाजी वाहन चालक सेवा के दिनेश अग्रवाल द्वारा तीव्र आंदोलन करेगी। ऐसी चेतावनी आरटीओ अधिकारियों को दी गई। इस संदर्भ में उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेश सरक ने जल्द ही कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। अभी आज जो प्रहलाद अग्रवाल जी ने सूचना दिया है कल के बारे में कि कंप्यूटर में बंदे का प्रोग्राम फेल होता है, उसको पास नहीं किया जाता है और ब्रोकर के थ्रू आता है तो उसका लाइसेंस बन जाता है, ये सब विषय को लेकर हम लोगों ने अधिकारी साहब से मिले, मुलाकात की, उन्होंने जांच करने का आदेश दिए हैं और पूरा काम करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। ये जो रिंकू कमर्शियल कैरियर्स, जो एक थोड़ा सा छोटा सा ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर भी है और NGO फाउंडेशन भी है, उन्होंने हमारे पास एक सजेशन और थोड़ी सी एक तकरार दाखिल की है कि हमारे लर्निंग लाइसेंस में कुछ गड़बड़ी चल रही है, अनियमितता है या फिर हमको उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उन्होंने जो डिटेल्स दिए हैं मेरे पास, मैंने वो लिख लिए हैं और जहाँ भी कुछ ये गड़बड़ी चल रही है उसके ऊपर ये गड़बड़ी बंद होने के लिए और जिसने किया है कैसे किया है वो छानबीन करके हम आपको उसका समाधान कारक उत्तर देंगे। तो यहाँ अपने आरटीओ ऑफिस आया तो उसको जो टेस्ट लेते हैं उसमें फेल कर दिया गया और वो ब्रोकर के पास गया और ब्रोकर के थ्रू आया तो उसको लर्निंग लाइसेंस मिल गया। इसमें पैसे का लेन देन हुआ, वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस ऑफिसर ने गंदगी फैलाई और ये ऐसा ही होता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग लाइसेंस किसी को भी ऑनलाइन दिया जाए, किसी को भी ऑफिस में दिया नहीं जाए, ये मेरी अर्ज है। इस पर सरकार सुनेगी, देखेगी, जिससे कि जो भ्रष्टाचार डे बाय डे छोटी छोटी चीजों में बढ़ता जा रहा है वो रुके। वाली से NBCN न्यूज के लिए सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।